नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। इस वक्त बज गया है सुबह का 7:30 और हमने मुर्गियों को निकाल दिया है बाहर। ये देखिए सुबह के 7:30 बजे बड़ी बेताबी बहुत फुर्ती से एक साथ ये बाहर निकलती हैं सुबह, और ये अब सारी बाहर निकलने के बाद दौड़ के मैदान में जाएंगी। जो हमारा फ्री रेंज का एरिया है वहाँ पर ये चरने के लिए दौड़ पड़ी हैं। सारी मुर्गियाँ एक एक करके बाहर आ जाएंगी। शायद ही कोई मुर्गी वहाँ पर रहे, 2-5 मुर्गी ऐसी हैं जो वहाँ रह जाती हैं, बाकी सारी ये निकल चुकी हैं और ये दौड़ लगा दी हैं इन्होंने, जो हमारा फ्री रेंज का एरिया है। जब हम इनको 7:30 बजे बाहर निकालते हैं अपने फार्म से, तो इनको अपने हिसाब से घूमने देते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे के नीचे जाएंगी, वहाँ पर पानी भी रख देते हैं। ये लगभग 9 बजे तक ऐसे ही घूमेंगी, और 9 बजे के बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमारे जो ड्रम स्टिक मुनगा के पेड़ हैं मोरिंगा के, उनकी डगालों को तोड़ देते हैं हम, ये नीचे झुका दिए इस प्रकार से, तो ये उनको खाना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जितना नरम भाग रहता है, पत्तियां तो खाएंगी ही खाएंगी, पत्ती के साथ साथ ये बारीक वाली जो नरम वाली टहनियाँ हैं वो भी चट कर जाएंगी। तो 9 बजे से 10-11 बजे तक ये सिलसिला लगभग ऐसा चलते रहता है, क्योंकि जो हमारा फ्री रेंज एरिया है उसमें ज़्यादा कुछ घास बचा नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं तो जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ तक ये खा चुकी हैं, अब नई घास निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं। हमने कोशिश भी किया कि जो हमारा फ्री रेंज का एरिया जो खाली प्लेन पड़ा हुआ है इसमें हमने पानी चलाया, स्प्रिंकलर लगा के पानी दिया, मगर घास उगने से पहले ही ये चट कर जाती हैं। जब घास निकलना चालू होती है तो बहुत नरम घास होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो ये चोंच से पूरा ख़त्म कर देती हैं। उसके बाद ये लगभग 12 बजे हमारा जो रूटीन में रहता है कि हमें 2.5 किलो चावल पकाना है, 50 ग्राम हल्दी, और इसमें 50 ग्राम हमारे घर का नमक मिलाते हैं, और हल्दी भी वो मिलाते हैं जो हल्दी हम खुद घर लाते हैं, पिसवाते हैं, पैकेट वाली नहीं, मार्केट की पता नहीं क्या दे देते हैं। तो हमें हल्दी देना बहुत ज़रूरी है, और हल्दी में पूरा विश्वास हमें ये होना चाहिए कि हमारे घर की है। हम तो हल्दी गठान वाली लेके आते हैं और उसको अपने हिसाब से चक्की में पिसवाते हैं, तो वो हल्दी पाउडर हम इनको देते हैं और पैकेट वाली नहीं देते हैं। पैकेट में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या पीस के भर दिया है, और कितने भी ब्रांडेड हो फिर भी जो हमारे हिसाब से जो हल्दी तैयार होती है उसकी बात अलग है। तो ये 12 बजे इनको हम ये चावल दे देते हैं, और ये सिलसिला इस प्रकार हर दिन चलते रहता है। तो ये पूरा जो चावल है ये जब तक नहीं खाएंगी तो अभी हिलने वाली है नहीं। तो सुबह 7:30 बजे हमने शेड से बाहर निकाला, फिर उसके बाद इनको 1-1.5 घंटे चरने दिया, अपने हिसाब से इनको घूमने दिया, फिर उसके बाद हमने कुछ पपीते के पत्ते मुनगा के ये हमने इनको पत्तियां दे दी, तो इन्होंने 1-1.5 घंटे वो खाया। उसके बाद ये हमारा 12 बजे के आसपास ये चावल तैयार हो गया, तो अब हमने इनको जो है चावल दे दिया। ये देखिए आप, अब बिल्कुल चावल ख़त्म हो चुका है, लगभग 2 मिनट का भी ये टाइम नहीं लेती हैं, पूरा चावल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सारी मुर्गियों को हम इसी प्रकार से शुरू से देते आ रहे हैं। जब से इनको 1 महीने की हुई थी हमने बाहर फ्री रेंज में निकाला है, तो ये उसकी आदी हो गई, तो इनका टाइम भी फिक्स है और खुराक भी फिक्स है, तो ये उस समय बड़ी शौक से ये खाती हैं। फिर चावल खाने के बाद ये निकल गई ये पेड़ों के नीचे, और ये जो फ्री रेंज एरिया है हमारा, तो ये जो फ्री रेंज का एरिया है ये आप देखिए जहाँ तक नज़र जाएगी, जो हमारा एरिया है इसमें जो बड़े पेड़ पौधे हैं वही सलामत हैं, बाकी तो कुछ बचा नहीं है, हरी घास नहीं बची है। तो इनको हमें अलग से पत्तियां तोड़ के देना या चावल पका के देना, ये सब फ्री रेंज में हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि घास ख़त्म हो चुका है लगभग। अभी ये अगर हम पत्तियां नहीं देते हैं या चावल पका के नहीं देते हैं या फार्म के अंदर से हम निकालते नहीं हैं कि बाहर कुछ नहीं करके हमने नहीं निकाला, तो ये मान के चलिए कि ये स्ट्रेस में आके एक दूसरे पे हमला करेंगी, या फिर इस हद तक हमला करें कि मुर्गियों को खा भी जाएं, जो कमज़ोर पड़ जाती है उसको खा जाएंगी। और शाम को जब हम इनको सेट के अंदर करते हैं, हमारे फॉर्म के अंदर करते हैं, तो ये इतनी मात्रा में इन्होंने दाना गिराया है, तो हमने 2 दिन से इनको दाना देना बंद कर दिया। ये मक्का है
और गेहूं चावल जो हम मिश्रण बना के देते हैं, 70 किलो मक्का में 15 किलो गेहूं, 15 किलो चावल, 200 ग्राम नमक और 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर मिला के एक मिश्रण तैयार कर लेते 100 kg के हिसाब से, तो ये गिराती बहुत हैं, नुकसान बहुत कर रही हैं। तो हमने जो है इनको 3 दिन से नहीं दिया है, क्योंकि हमारा 3 दिन जितना ये खाएंगी 3 दिन में उससे ज़्यादा नीचे पड़ा हुआ है, नीचे इन्होंने गिरा दिया है, तो वही खा रही हैं अभी, उसी को हम खिला रहे हैं। और जब ये अंदर आ जाती हैं और ये कोने में देखिए आप, बहुत सारी मुर्गियां जो हैं यहाँ पर इकट्ठी होके ज़्यादा बैठती हैं, कुछ ऊपर जो बैठने का शौक़ रखती हैं वो तो ऊपर चली जाती हैं, उधर बैठ जाती हैं, और बाकी जो रहती हैं यहाँ बैठ जाती हैं। अब वही मुर्गी खाएगी जो उसको भूख लगी हो या बाहर उसने अपना पेट नहीं भरा हो, वही खाएगी। और सुबह शाम ये आप देखिए ड्रिंकर हमें कितने क्लीन रखते हैं, सुबह शाम 2 बार इनको धुल देते हैं। और दाने के बर्तन आपको पूरे सेड में ये 3 बर्तन बस दिखाई देंगे, क्योंकि हमने दाने के बर्तन सारे हटा दिए हैं, क्योंकि दाने के बर्तन खाली भी हो गए थे और नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने दाना गिराया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि ये 2-3 दिन इनको ये जो दाना पड़ा हुआ है नीचे यही खिलाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा जब फिर हम दाने के बर्तन फिर से भरेंगे। अभी बाहर रख दिए हैं, तो बाहर ले जाने के बाद उनकी सफाई भी हो जाएगी, धुल जाएंगे। ये हमारी कोशिश है कि नीचे पड़ा हुआ जो है इसको ये साफ़ कर जाएं। इनको जब ये खा लेंगी उसके बाद ही हम नया दाना, नए फीडर लगा के और फिर इनको दाना खिलाएंगे। तो ये शाम के समय जब अंदर करते हैं हम 7 बजे के आसपास, उस समय का नज़ारा है। तो ये कुछ मुर्गियाँ ऊपर बैठी हैं, ज़्यादातर ये कोने में बैठती हैं, पता नहीं ये शुरू से जब से हमने यहाँ मुर्गी रखा है तब से ये कोने में ज़्यादा मात्रा में ही रहती हैं, बाकी जो है इधर घूमते रहती हैं, कुछ खाते रहती हैं, कुछ ऊंचाई में बैठ जाती हैं। हमने ऊंचाई में बैठने का बेहतरीन इनको वो दिया हुआ है स्पेस, तो ऊपर बैठ जाती हैं क्योंकि ऊपर बैठना इनको पसंद रहता है। तो ये यहाँ बैठती हैं, ये पूरा कच्चा है, तो दिन के समय में भी जब अंदर मुर्गियाँ रहती हैं ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है, इसमें ये 2-3 टीन ऊपर जो पतरे हैं वो डाल दिए हैं, बाकी ये खपरे हैं जो मिट्टी से खपरे तैयार होते हैं वो हैं। और ये बारीक बारीक वाली जो हमने बिछाया है इस पर जंगल की लकड़ियाँ हैं जो बहुत बारीक हैं, तो ये हमारी जाली का भी काम कर रही हैं, वेंटिलेशन का भी, जब पर्दे खोल देते हैं तो वेंटिलेशन का भी काम कर जाती हैं। और जो जंगली जानवर अगर कोई हमला करता है तो उससे भी ये पतली पतली जो बारीक लकड़ियां जंगल की हमने लगाए हैं तो इससे इनको सुरक्षा मिल जाती है। तो इस प्रकार से सुबह 7:30 बजे से लगभग 7 बजे तक का ये हर दिन का इनका रूटीन है। और ये जो है बाहर अब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये अंदर ज़्यादा रहना पसंद कर रही हैं और अंदर जो दाना इन्होंने गिराया है वही खा रही हैं। और इन मुर्गियों को ये आज 21 तारीख है, आने वाले महीने की यानी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर की 2 तारीख को इनको 90 दिन हो जाएंगे, ये 3 महीने कंप्लीट कर लेंगी 2 तारीख को। फिर 2 तारीख को जब हम वीडियो बनाएंगे तो इसमें कोशिश करेंगे कि हम 5-5, 10-10 पीस करके इनका वेट भी एक बार लेंगे कि वज़न कितना है, क्योंकि हमने लगभग 1 माह से इनका वेट नहीं लिया है। जो नए दोस्त इस चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, RIR चूज़ों पर 1 दिन से 60 दिन तक का वीडियो हम रोज़ बना के डालते हैं, आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। नमस्कार।